हाय एवरीवन, मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में ये बताता हूँ कि गाड़ी के अंदर ढंग से बैठने का तरीका क्या होता है। कि जब आप गाड़ी के अंदर जाते हो, पैर झाड़ के बैठो, तो इसका एक फ़ायदा तो लोगों को समझ में आ गया कि आपकी गाड़ी गंदी नहीं होगी। लेकिन एक वीडियो में मैंने बोला कि ड्राइवर और पैसेंजर से गलती करते हैं जब भी गाड़ी में बैठते हैं, ये बैठने वाला तरीका, पैर झाड़ के बैठने वाला। तो मैंने उसमें ये बताया था कि आपका पोस्चर ख़राब होता है, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो एक मुझे डाउट आया कि यार हेल्थ के लिए कैसे ठीक नहीं है, आप वो समझाओ। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैंने जो तरीका बताया था वो मैं बताता हूँ। जैसे गाड़ी में गए, अनलॉक किया, आप नॉर्मली क्या करते हो, ऐसे एक पैर अंदर रखते हो, फिर दूसरा अंदर, ऐसे बैठते हो। मैंने क्या बताया था, मैं बताता हूँ। सपोज ठीक है, बंद है, खोली, आप देखना, पहले ऐसे बैठे, मैंने ऐसे बताया था, ऐसे झाड़ के। बाय द वे दिस शूज आर गिफ्टेड बाय समवन। तो ऐसे झाड़ के फिर ऐसे बैठते हो, समझ गया। झाड़ने का मतलब गंदगी, मिट्टी लगी है गाड़ियाँ, यू नो, आपके जूतों में, वो नीचे गिर जाती है और आपकी गाड़ी गंदी नहीं करते, फिर स्मेल नहीं आती। आप पोस्चर से, यानी आपकी जो बैठने का तरीका है, उससे क्या लेना देना है वो मैं समझाता हूँ। आप जब ऐसे बैठते हो, ठीक है, ऐसे है, एक अंदर रखा, तो जब आप जो बॉडी अंदर लेकर जाते हो, मेरा नहीं देखना कैसे बेंड हो रहा है, ये वाली जो शेप आई है ना, ये ऐसे, इसके ये घुटनों के लिए ख़राब होती है, ठीक है। घुटने बदलवाने पड़ेंगे, एकदम से तो नहीं, हाँ ये थोड़ा आपको टाइम मिल जाएगा। तो ये जो तरीका, थोड़ा दूर से देखो कैसा घुटना मुड़ा हुआ है, ठीक है, ये घुटने के लिए ख़राब होती है। आप ऐसे बैठते हो, समझे कुछ, फिर बता दो, ऐसे ऐसे बैठे, और आप ये घुटना देखो, ये एकदम बाहर की तरफ बेंड हो गया। मेरा जो है काफ बाहर है और नी अंदर है, ये घुटने के लिए सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है, जब भी अंदर आते हो, ऐसे पहले अपनी तशरीफ रखना सीट के अंदर, और पैर झाड़ना, अंदर रखना, अब गाड़ी चलाना। और यही होता है बाहर जाने का तरीका, मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी चला ली, रोक ली, जहाँ जाना था पहुँच गए, अब खोला, ठीक है, दोनों पैर बाहर निकाले और उठ गए। ये होता है गाड़ी में सही बैठने का तरीका, सही एंटर करने का, सही एग्जिट लेने का तरीका। बहुत कम लोगों को पता है, नहीं पता है तो संभल जाओ, हो सकता है किसी को हो जाए दिक्कत, किसी को ना हो, सबकी बॉडी अलग अलग है। लेकिन प्रिकॉशंस लेने में क्या दिक्कत है, मान लो आपने हेल्थ के लिए अगर एक दो चीज़ें ढंग की कर रहे हो तो क्या दिक्कत है, बचाव करके चलो ना, समझे। मेरा सिर्फ यही पॉइंट है, मैं लोगों को काम की चीज़ें बताता जाऊँ, छोटी मोटी, मानना है ना मानना हो तो आपके ऊपर। आपको लगता है कि नहीं ऐसे कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ भी नहीं भी होगा, लेकिन मेरा तो यही मानना होता है, ठीक है। तो अगर घुटने ख़राब करवाने हो, बहुत टाइम तक नहीं चलाने हो, नहीं मन हो, बदलवाना हो, देखो ऐसा नहीं है कि नहीं करवाओगे तो दो चार साल में घिस जाएंगे, लेकिन फालतू का स्ट्रेन आता है। कभी एक काम करना, अगर कोई जिम जाता है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, तो ऐसे नीज बेंड करके बाहर मार के देख लेना, लंजेस, स्क्वाट्स ऐसे मार के देख लेना, पता लग जाएगा नी आपका अंदर और बाहर। ये बहुत ज़्यादा नहीं, कम लोगों को पता होगा कि ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है, तो जिम जाते उन्हीं को पता होगा। सो गाइस, ये मेरा फेवरेट तरीका है, और ये मैंने कहाँ से सीखा, ये मैंने अपने सीखा था दादाजी से, बाबा से। जब भी वो गाड़ी में बैठते थे ना, मैं उन्हें नोटिस करता था, वो पहले अंदर बैठे, जूती पहनते हैं, जूती वो झाड़ते हैं, फिर अंदर बैठते हैं। तो मैंने शुरू में देखा कि ऐसे क्यों, मतलब ठीक है मैं समझ गया गंदगी नहीं आएगी, लेकिन जब मैंने थोड़ा बहुत गूगल किया इसके बारे में, तो बताया कि हेल्थ के लिए भी ठीक होता है। फिर मुझे धीरे धीरे आदत पड़ती गई, मैं लोगों के रिव्यू वीडियोस करता था गाड़ियों के, मैं उनमें बैठने लगा ऐसे। सो पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग दिस, उन्होंने नोटिस किया कि हाँ मैं पैर झाड़ के बैठता हूँ, तो मुझे भी लगा हाँ यार अच्छी आदत है। तो इसे लोगों को भी बताते हैं कि एक तो गाड़ी गंदी नहीं होगी, स्मेल नहीं आएगी, साफ रहेगी गाड़ी भी, और दूसरा आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक रहेगी। तो छोटी सी टिप थी, आई थॉट टू शेयर इट विद यू। अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना किसी के साथ जिसको जरूरत हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।